अल्लाह एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल Facebook पेज सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ऑक्शन हो रहा था ट्वेंटी फर्स्ट को उसकी अनाउंसमेंट की आ, कर दी गई है कि वो कैंसिल हो गया है लेकिन उसके साथ ही आ, बाईस फरवरी को दूसरा ऑक्शन हो रहा है कस्टम वालों का और उसकी इंस्पेक्शन की वीडियो मैं भी से बना रहा हूँ क्योंकि ऑक्शन कल आप इसकी इंस्पेक्शन की वीडियो यानी कि इंस्पेक्शन के लिए आप आ सकते हैं ऑफिस टाइम यानी कि दस से लेकर शाम छः बजे तक तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अल्टो से और ये 2015 का मॉडल है और लॉट नंबर 39 में खड़ी हुई आप देख सकते हैं वाइट नंबर वाइट कलर की है गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ से शो हो रही है आप चेक कर सकते हैं टायर रिम्स वगैरह और ज़ाहिर सी बात है गाड़ी लॉक्स होती हैं तो मैं आपको यहीं से आपको इंटीरियर इसका चेक करा देता हूँ आप चेक कर सकते हैं और साइड व्यू भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और इसका ऑक्शन बुध वाले दिन होगा बाईस तारीख को आप ये चेक कर सकते हैं मैं आपको फ्रंट दोबारा चेक करवा दूँ ये इसका फ्रंट है और इस तरफ अगर हम जाएं और इस तरफ भी चेक करें टायर रिम्स इसके लगे हुए और गाड़ी बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में कह सकते हैं और इंटीरियर आप चेक कर सकते हैं माइलेज और इसके इंजन की जो कंडीशन है उसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि गाड़ी लॉक है और सस्पेंशन का अगर देखा जाए तो यहाँ से बिल्कुल जिस तरह नज़र आ रही है एज इट इज़ जो मीडियम है कुछ लोग पूछते हैं कि आप मिंट कहते हैं तो मिंट का मतलब यही होता है कि मिड कंडीशन में है आ, बाकी चलते हैं बाकी गाड़ियों की तरफ मैं बैग भी, भी आपको चेक करवा दूँ आप चेक कर सकते हैं तो इंस्पेक्शन के लिए आप जा आ सकते हैं कल और इसको चेक कर सकते हैं जिस तरह भी आप चेक करना चाहें बाकी काफ़ी ज्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और कल जो इक्कीस फरवरी को ऑप्शन होने वाला था वो कैंसिल हो गया तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ और उसका आपको बताते हैं कि इसमें इसकी क्या कंडीशन है तो नेक्स्ट कार लॉट नंबर ट्वेल्व में खड़ी है दिहास टू मीरा दो हजार का मॉडल है और यहाँ पे ऑक्शन डेट भी मेंशन है 22 दो को इस बार मैं साथ यही वाली वीडियो लगाऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इंस्पेक्शन की वीडियो पहले से ही इस बार आ चुकी है फ्रंट से अगर देखें तो बिल्कुल एज इट इज सारी गाड़ियाँ वाइट कलर की जाती हैं स्टॉक्स इसको रिम्स लगे हुए हैं और अगर इंटीरियर की बात की जाए तो ये गाड़ी भी लॉक है लेकिन इंटीरियर आपसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि जेनवन सीट्स हैं इसकी फैब्रिक्स बंदी और गाड़ी अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है साइड व्यू भी आप चेक कर है सकते हैं आपको थोड़ा बहुत इससे आइडिया हो जाता है बाकी इंजन वगैरह इसका बॉनेट वगैरह लॉक है गाड़ी भी लॉक है यहाँ पे भी स्टॉक रिम और टायर लगे हुए हैं आप चेक कर है सकते हैं ये गाड़ी का साइड व्यू है तो ये गाड़ी लॉट नंबर ट्वेल्व में खड़ी भी मेरा और अगर इसकी प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो ये गाड़ी तेरह चौदह या पंद्रह से ऊपर ऊपर इस बार जाएगी क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं जिसकी वजह से बहुत ही इन गाड़ियों की प्राइस में भी हाइक आएगा तो उससे उसके बाद ही अगर साथ दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है लॉट नंबर थर्टीन में ट्विटा विट्स 2014 मॉडल और ये लॉट नंबर थर्टीन में खड़ी हुई है गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी कह सकते हैं कि बॉडी वाइज रफ़ है बम्पर रफ की कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं ये आपके बिल्कुल सामने है और लाइट्स वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं रिम्स वग़ैरह इसको लगे हुए हैं और अगर इंटीरियर में आप कुछ शो करवाऊँ तो इंटीरियर से भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा गाड़ियाँ सारी लॉक हैं और इंटीरियर अगर देखें यहाँ से थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता है इंटीरियर इट इज़ इसी तरह ही है और गाड़ी भी थोड़े से डेंट वग़ैरह भी पड़े हुए और बैग से भी आप ये चेक कर सकते हैं ब्लू कलर है गाड़ी थोड़ी सी रफ़ कह सकते हैं बॉडी वाइज लेकिन इंजन और माइलेज सस्पेंशन का कुछ भी नहीं कह सकते कि इसकी आ, क्या कंडीशन होगी अंदर से इंजन और सस्पेंशन की क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे खड़ी रही भी हैं और दूसरी बात ये स्टार्ट भी नहीं हो रही क्योंकि बैटरीज वगैरह इसकी लो होती हैं बाकी अगर टायर की बात की जाए तो उससे अंदाजा हो रहा है कि टायर भी काफ़ी रफ़ है और बॉडी में भी इसका बहुत ज़्यादा काम है तो ये गाड़ी खड़ी भी है लॉट नंबर थर्टीन में विड्स है दो का मॉडल है बाकी आपको आगे मैं दिखाता हूँ बाकी गाड़ियाँ अगली गाड़ी है हमारे पास ट्वेटा तो अकवा दो हजार चौदह का मॉडल है और लॉट नंबर एट में ये गाड़ी खड़ी हुई है यानी कि इन्हीं गाड़ियों के साथ वेड्स और मीरा के साथ ये खड़ी हुई है फ्रंट की अगर बात की जाए तो फ्रंट से गाड़ी बिल्कुल एज इट इज़ नॉर्मल कंडीशन में है कोई इतनी अच्छी खासी नहीं है और अगर साइड व्यू की बात की जाए तो एज़ इट इज़ उसी तरह आ, इसके भी टायर काफ़ी ज़्यादा रफ रु, हुए हुए साइड मिरर इसका टूट चुका है और गाड़ी ये भी लॉक है लेकिन अगर आपको इंटीरियर में चेक कराऊँ तो लेदर की आ, सीट्स इनकी लेदर की पोशिश हुई भी है और गाड़ी पुश स्टार्ट है 2014 का मॉडल है और साइड की अगर स्वीप की भी बात की जाए तो ये भी आपको मैं पीछे से भी, भी आपको दिखाता चलूँ क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम है इस वजह से गाड़ियाँ नज़र नहीं आती आ, सही से आ, ये इसका बैक व्यू है और ये चेक कर सकते हैं इस पर आर एस के स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं और गाड़ी की कंडीशन इंजन वाइज और सस्पेंशन या माइलेज का कुछ नहीं कह सकते लेकिन इंटीरियर यहीं से अगर देखा जाए तो इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है और यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है इसके और फ्रंट से आपके बिल्कुल सामने आप ये देख सकते हैं फ्रंट से गाड़ी बिल्कुल एज एजेट ही इसी तरह नजर आ रही थी तो लॉट नंबर एट में ये गाड़ी खड़ी हुई है और अगर पिछले ऑप्शन की बात की जाए तो ये गाड़ियाँ तकरीबा अट्ठाईस उनतीस uh, के आसपास पास से आउट हुई थी इस बार ये गाड़ियाँ तकरीबन तीस यानी कि इकतीस लाख के आसपास ये गाड़ियाँ सेल आउट होंगी अच्छा जी सीन ये है कि अंदर वीडियो वगैरह बाकी अलाव नहीं थी और इस वजह से मैंने कुछ गाड़ियों की वीडियो मैंने बना ली और बाकी आप आके खुद चेक कर है सकते हैं मैंने पिक्चर भी साथ लगा ली है उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा अंदर इंटीरियर की और साइड प्रोफाइल की थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा उससे थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन में आपको अगर आप आ नहीं सकते तो आपको आइडिया हो जाएगा बाकी वीडियो अलाउ नहीं थी जिसकी वजह से बाकी मैं फ़र्दर वीडियो कड़ियों की नहीं बना पाया तो इनशाला वो आप उसी तरह पिक्चर में साथ लगा रहा हूँ वो आप चेक कर लेंगे तो आपको उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा जैसे कि मैंने कहा कि वीडियो अलाउ नहीं थी तो मैंने पिक्चर ले ली थी आप इंटीरियर चेक कर सकते हैं क्राउन 2007 मॉडल का और ये गाड़ी ब्लैक इंटीरियर में है लेदर्स की सीट्स के साथ है इंटीरियर आप चेक कर सकते हैं इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता है और दूसरी अगर पिक्चर की बात की जाए तो आप क्राउन का अंदर इंटीरियर देख सकते हैं कि मल्टी का सेयरिंग लगा हुआ है लेदर की सीट्स है और ब्लैक कलर का कम्प्लीट इंटीरियर है और ये फ्रंट लुक देख सकते हैं आप इसकी 2007 का मॉडल है तो अभी चलते हैं दूसरी गाड़ी की तरफ अब चलते हैं एक्वा की तरफ 2014 का मॉडल है इंटीरियर आप चेक कर सकते हैं और गाड़ी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है इंटीरियर से ही इसका पता लग रहा है अगर फ्रंट लुक की बात करें तो गाड़ी थोड़ी सी बॉडी वाइज थोड़ी सी रफ़ है और 2014 का मॉडल है और इसके अलावा भी इसमें ऑक्शन में ये एक्वा जिसकी वीडियो पहले आपने स्टार्ट में ही देख ली थी और ये लॉट नंबर ट्वेंटी सिक्स में खड़ी हुई है आ, एक्वा दो हज़ार चौदह का मॉडल है उसके बाद आ जाती है ट्विटर प्रियस 2010 का मॉडल और साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हैं इसको ऑल रिम लगे हुए हैं जनवन नहीं है दूसरे आफ्टर मार्केट वाले लगे हुए हैं वाइट कलर की गाड़ी है लॉट नंबर 18 में खड़ी हुई है 2010 का मॉडल प्रियस है और साइड से अगर आप देखें फ्रंट लाइट्स तो इसके लीडिज़ वाली लाइट है जो कि पैकेजेस इसमें एस और जी पैकेजेस आता है और रिम्स की अगर बात की जाए रिम टाइज के बहुत अच्छे रिम्स आए थे कंडीशन में इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर बहुत ही अदर से क्लीन था और गाड़ी क्योंकि लॉक थी लेकिन उसके अलावा भी इंटीरियर से आइडिया हो रहा था कि इसका इंटीरियर जो वाइट इंटीरियर आता है जिसको ऑफ वाइट कहते हैं वो इंटीरियर्स में लगा हुआ है और होपफुली ये गाड़ी थ्री मिलियन से अबव अबअ अब इस ऑप्शन में सेल आउट होगी और इसके अलावा भी काफ़ी प्रियस है जिनकी वीडियो बनाना मुश्किल हो गया था क्योंकि अलाउ नहीं था लेकिन स्टार्ट की वीडियो बन चुकी थी लेकिन पिक्चर अलाउ थी और मैंने वो बनाई था कि उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए गाड़ियों के इंस्पेक्शन का उसके साथ लॉट नंबर पाँच में एक्वा 2016 का मॉडल था और इंटीरियर चेक कर सकते हैं इतनी अच्छी कंडीशन इंटीरियर की नहीं थी और आपके सामने नजर आ रहा है ये भी पुश स्टार्ट थी और इंटीरियर आपका चेक कर सकते हैं ब्लैक कलर का इंटीरियर है इसका अंदर और सीट्स की कंडीशन में आपके सामने फैब्रिक्स की सीट्स इसको लगी हैं फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो बिल्कुल जानवर है लेकिन बॉडी में थोड़ा बहुत इसके काम है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाली गाड़ी इस ऑप्शन में कितने में सेल आउट होगी उसके साथ आ जाती है जुजुकी स्विफ्ट 2007 का मॉडल और ये लॉट नंबर 11 में खड़ी हुई है जिसका ऑप्शन होगा बाईस को और अंडर से इंटीरियर चेक कर सकते हैं ये भी ब्लैक था और कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी आप कह सकते हैं कि मीडियम इसका था और ये भी ब्लैक में थी उसके बाद खड़ी हुई है टोटा एक्वा दो का मॉडल और ये गाड़ी भी वाइट कलर में है और अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो इसमें स्टॉक रिम लगे हुए हैं जो बिल्कुल सादा रिम आते हैं और ये लॉट नंबर ट्वेंटी टू में खड़ी हुई है दो हज़ार पंद्रह का मॉडल है और गाड़ी की अगर इंटीरियर से बात की जाए इंटीरियर की बात की जाए तो ये भी अंदर से ब्लैक फैब्रिक में है और ये पुस्टार्ट वाली है ऑटोमेटिक और गाड़ी की अंदर इंटीरियर इतना अच्छा नहीं है माइलेज वगैरह का कुछ भी नहीं कह सकते कि इसकी कितनी माइलेज होगी और इंजन के सस्पेंशन का कुछ भी नहीं कह सकते लेकिन एक आइडिया के तौर पे गाड़ी बिल्कुल अंदर इंटीरियर या बाहर से बिल्कुल ओके ही कह सकते हैं हंड्रेड परसेंट ओके नहीं लेकिन आप कह लेंगे सिक्सटी सेवेंटी परसेंट गाड़ी ओके थी डिपेंड करता है कि बाद में ये इसके इंजन में कितना काम निकल आता है और सस्पेंशन में अब अगर बात करें एक्सपीरियंस की तो ये 2009 का मॉडल है और अगर बैक की बात की जाए लाइट्स की बात की जाए तो इसको 2013 14 मॉडल वाली हेड जो बैक लाइट है वो वाली लगी हुई है वाइट कलर है और गाड़ी अंदर से भी इंटीरियर वाइज आप चेक कर सकते हैं जो स्टॉक इसका कलर आता है और फैब्रिक्स वाली वो इंटीरियर है इसका और इतना परफेक्ट आप नहीं कह सकते लेकिन गाड़ी की कंडीशन ओवरऑल अगर फ्रंट से देखें तो गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी थी और होपफुली ये गाड़ी भी तकरीबन 2.78 पॉइंट और 3.0 पॉइंट यानी कि तीस लाख की सेल आउट हो लॉट नंबर 22 में ये गाड़ी खड़ी हुई है अब अगर बात करें टोयोटा क्राउन 2014 मॉडल हाइब्रिड की तो ये गाड़ी भी इस ऑप्शन में आ रही है और अगर साइड व्यू की बात की जाए तो इसको जेनवन टायर रिम्स लगे हुए हैं इंटीरियर की बात की जाए तो नो डाउट हंड्रेड परसेंट बेज इंटीरियर है लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स है और बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है चेक कर सकते हैं बैग से भी और हाइब्रड एडिशन है यहाँ से टेल लाइट्स वगैरह चल सकते हैं रॉयल सेलून जी एडिशन है और बहुत अच्छी गाड़ी है और अगर इसकी प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो ये अबव एक करोड़ से ऊपर ऊपर जाएगी लेकिन डिपेंड करता है कि कितनी ऊपर जाएगी क्योंकि दूसरी जो क्राउन 2007 8 मॉडल है वो भी 75 या 80 समथिंग लास्ट ऑक्शन में सेल आउट हुई थी बाकी अगर इस प्रेमियों की बात की जाए तो ये गाड़ी बहुत ही नीट एंड क्लीन थी इसकी मैं पिक्चर नहीं ले पाया इंटीरियर की लेकिन गाड़ी बिल्कुल जीरो मीटर थी अंदर से इंटीरियर भी बहुत ही अच्छा था और यहाँ से भी अगर देखा जाए जिस तरह कंडीशन में खड़ी हुई है तो ये गाड़ी बहुत ही चमक रही है तो ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत गाड़ी थी इस ऑप्शन में इसके अलावा एक और प्रियस थी दो हज़ार का मॉडल था और उसकी सीट्स वगैरह अगर वो देखी जाए तो गाड़ी उसका लग रहा था कि माइलेज ऑलमोस्ट कोई ट्वेंटी या थर्टी थी लेकिन वो इस ऑप्शन में आ, वो प्रियस आ नहीं रही अब अगर बात करें मार्केट्स की तो 2006 का मॉडल 2010 का मॉडल ये 2006 का मॉडल था इंटीरियर आप चेक कर सकते हैं आ, ब्लैक एंड बेज कम्बिनेशन था और बाकी आ, अगर ओवरऑल इसका देखा जाए तो गाड़ी की कंडीशन मीडियम थी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी और होपफुल ये गाड़ी भी थ्री मिलियन की अबव जाएगी टू थी थ्री थी या थ्री थी, थी आ, इसका कुछ भी नहीं कह सकते उसके बाद बात करें तो मार्क एक्स दो का मॉडल भी इस ऑप्शन में है और काफ़ी अर्से बाद 2010 मॉडल की गाड़ी मार्क एक्स देखने को मिली है क्योंकि 2006 हज़ार या सात तो काफ़ी ज़्यादा है अगर फ्रंट लुक की बात की जाए सिल्वर कलर है और गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और टाइम ना होने की वजह से क्योंकि इंस्पेक्शन होनी कल है लेकिन आज ही थोड़ी सी बहुत इंस्पेक्शन हो गई थी जिसकी वीडियोज़ वगैरह पिक्चर मैंने लगा दी थी तो ये गाड़ी आप ऐसे समझ लें कि अगर क्राउन दो मॉडल या इसको कंपेयर करें कंपेरिज़न तो हो नहीं सकता लेकिन ये गाड़ी ऑलमोस्ट सिक्सटी प्लस ये गाड़ी भी सेल आउट होगी इस ऑप्शन में बाकी इसमें होंडा सेविक रिबॉन की भी तीन गाड़ियां हैं चेक कर सकते हैं सिल्वर कलर की खड़ी हुई है उसके बाद वाइट कलर की गाड़ी ये भी खड़ी हुई है कंडीशन इसकी भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है दूसरी सिल्वर कलर की है और ये दूसरी वाइट कलर की खड़ी है गाड़ी अगर इसकी बात की जाए तो ये भी मार्केट रेट इसका सतारह अठारह उन्नीस आज चल रहा है इसको बीस भी कह सकते हैं प्राइजेज ज़्यादा होने के बाद तो ये गाड़ी भी इस ऑप्शन में तकरीबन चौदह uh, पंद्रह के आसपास सेल आउट होगी उसके बाद देख सकते हैं ट्विटर डबल केबन दो हज़ार आठ मॉडल इस ऑप्शन में कंडीशन बहुत ही ज़्यादा रफ कह सकते हैं गाड़ी में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है बॉडी वाइज भी और अंदर इंटीरियर भी और इंजन को भी देखे जाएँ तो ये गाड़ी भी अराउंड टू मिलियन के आसपास ही सील आउट की गाड़ी में, गाड़ी में काम बहुत ही ज़्यादा है बाकी अगर शॉर्ट वे में देखा जाए तो मजदा की ये गाड़ी आ जाती है दो का मॉडल उसके बाद विड्स आ जाती है पुराना मॉडल दो हज़ार तीन का अमीरा आ जाती है ये भी इस ऑप्शन में जिसकी मैंने वीडियो स्टार्ट से बनाई थी उसके बाद स्विफ्ट आ जाती है बारह तेरह मॉडल वेड्स आ जाती है पंद्रह सोलह का मॉडल प्रियस दूसरी आ जाती है वाइट कलर की यह गाड़ी भी इस ऑप्शन में अवेलेबल है करोला की बात की जाए नाइन्टी फोर मॉडल का रेड कलर की भी है ये भी उसके बाद या वहाँ बाइक्स है और एक मार्सिडीज़ कार है जो अब नाइन्टी फोर मॉडल है जो काफ़ी अरसे से इस ऑप्शन में आ, आ रही है नाइन्टी फोर करोला नाइन्टी फाइव मॉडल ये भी इस ऑप्शन में है उसके बाद पासो भी है और अगर लिस्ट की बात की जाए तो शॉर्ट शॉर्ट बता दूँ कि बेंस नाइन्टी एटी फाइव मॉडल मार्गेला का मॉडल भी है सुजुकी करोला नाइन्टी फोर विड्स दो हज़ार दस एक्वा दो हज़ार सोलह दो हज़ार चौदह मार्केक्सा दो हज़ार पाँच मॉडल एक्वा की दो हज़ार चौदह की आ, सिविक रिबॉन 2007 हज़ार मीरा की 2012 का मॉडल और 2012 का दूसरा भी मॉडल है स्विफ्ट का 2007 मॉडल विड्स 2014 एक्वा का 2012 मॉडल प्रेमियो 2013 मॉडल विड्स 2010 मॉडल क्रॉन 2007 का मॉडल प्रियस 2010 और डबल के दो हज़ार का मॉडल जो अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ उसके बाद अगर फर्दर देखा जाए तो मजदा एक्सीला दो मॉडल वैगन दो मॉडल जिसको दो बोलते हैं प्रियस दो का मॉडल एक्वा दो हज़ार पंद्रह स्विफ्ट दो हज़ार दस मार्केक्स दो हज़ार दस का मॉडल एक्वा दूसरी दो हज़ार चौदह मॉडल प्रियस दो हज़ार ग्यारह मॉडल होंडा सिविक जो ईगल आई वाली आती है वो दो हज़ार छः मॉडल एक्वा दो हज़ार उन्नीस मॉडल क्राउन दो हज़ार तेरह मॉडल होंडा सिविक दूसरी दो हज़ार पाँच मॉडल दूसरी एक्वा दो हज़ार बारह मॉडल सिविक दो हज़ार आठ मॉडल रिबॉन सिविक स्विफ्ट सुजुकी दो हज़ार सात का मॉडल मीरा दो हज़ार छः करोला नाइन्टी सेवन जो रेड कलर की थी और 1999 मॉडल विट्स अल्टो 2014-15 जो स्टार्ट में और उसके बाद सुजुकी की मोटरबाइक और यहाँ की मोटरबाइक जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप लोगों का इसी तरह प्यार और मोहब्बत चाहिए बाकी ऑप्शन में आप जा सकते हैं फ्री और फ्री ऑफ कॉस्ट है पार्टिसिपेट्स uh, कर सकते हैं कल का जो ऑप्शन था वो कैंसिल uh, हो गया था उसकी न्यू डेट आ जाएगी लेकिन ये ऑप्शन इन शाला बाईस को बुध के दिन होगा और मैं लास्ट में वो पिक्चर लगा देता हूँ आपके लिए ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए उसके लिस्ट के मुताबिक मैंने ऑलरेडी लगा दी लेकिन उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा